ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि भारत में आईपीएल 2021 का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान भारत के आईपीएल को लेकर कितना चिढ़ता है ये बात मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आईपीएल 2021 में एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले हो रही है। अंडर प्रेशर भारतीय युवा खिलाड़ियों को काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है और आईपीएल ही है जिसने भारत के बेंच स्ट्रेंथ को काफ़ी मजबूत किया हुआ है। यही बात पाकिस्तान को हजम ही नहीं हो रही है जनाब। पाकिस्तान भारत आईपीएल 2021 को लेकर अब इंटरनेशनल लेवल पर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड के कुछ दिग्गज खिलाड़ियों ने आईपीएल 2021 को लेकर काफी बड़े बड़े बयान दिए हैं, जिसे सुनकर या देखकर हर भारतीय हैरान है, या यूं भी कह सकते हैं कि इंग्लैंड के दिग्गज के बयान को देखकर पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे पाकिस्तान ने भारत के आईपीएल को लेकर क्या सवाल खड़े किए हैं और इंग्लैंड के दिग्गज ने कैसे पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। अब ये जानने से पहले कि इंग्लैंड ने किस तरह से पाकिस्तान के खिलाड़ियों की बोलती बंद करी है और मानो जमकर फटकार लगाई है, लेकिन उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि पाकिस्तान भारत के आईपीएल 2021 को लेकर क्या बातें कर रहा है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं। शाहिद अफरीदी ने इंडियन प्रीमियर लीग की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट के प्रभावित होने का आरोप लगाया है। अफरीदी इस बात से हैरान है कि कैसे क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के बीच में से ही इंडिया जाने की इजाजत दे दी। दरअसल बुधवार को पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच खेला गया। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका के मुख्य बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक, डेविड मिलर, कगिसो रबाडा पाकिस्तान की सीरीज को बीच में ही छोड़ दिया और वो सीधे ही इंडिया चले आए। इंडिया में वो अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज के लिए खेलेंगे। अब पाकिस्तान को खुद की बेइज्जती फील होने लगी और वैसे ये उनकी बेइज्जती भी है। शाहिद अफरीदी ने दो ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने पाकिस्तान की टीम को जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा, पाकिस्तान टीम को जीत के लिए बधाई, बाबर ने एक बार फिर बेहतरीन क्लास का प्रदर्शन किया, फकर की पारी देखकर अच्छा लगा। अफरीदी ने दूसरे ट्वीट के जरिए आईपीएल और क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका को निशाने पर ले लिया। पूर्व कप्तान ने कहा, क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज के बीच में से ही खिलाड़ियों को आईपीएल जाने की इजाजत दी, इसे देखकर बड़ी हैरानी हो रही है। जब कोई टी20 लीग इंटरनेशनल क्रिकेट पर भारी पड़ने लगता है तो बुरा लगता है जनाब। इस बारे में सोचने की जरूरत है और इस तरह से दक्षिण अफ्रीका पर भी सवाल खड़े किए। इंग्लैंड के दो दिग्गज खिलाड़ी माइकल वॉन और केविन पीटरसन ने भारतीय आईपीएल को लेकर बड़ा बयान दिया है और केविन पीटरसन ने तो साफ तौर पर एक बहुत ही बड़ी बात कह दी है। माइकल वॉन ने भी अच्छी बात कही है भारतीय टीम के लिए, जिसे पाकिस्तान शायद सुनकर हैरान रहने वाला है। पिछले 6 महीनों में कई खिलाड़ियों ने चोटिल होने की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम की गहराइयों का पता तो चला ही है। इन दिनों जिस भी युवा खिलाड़ी को भारतीय टीम में मौका मिला है उन सभी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन भारतीय टीम और बेंच स्टेज से बेहद ही प्रभावित है और उनका मानना है भारत दो टीमें बनाकर क्रिकेट की दुनिया पर राज कर सकता है। वॉन का कहना बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दिल्ली कैपिटल के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ के खराब प्रदर्शन की वजह से टीम से बाहर कर दिया गया। हालांकि इस खिलाड़ी ने हार नहीं मानी और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक बार वापसी करके बताया, तरह से भारत का बैंस स्टैंड काफी मजबूत है। वॉन ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारतीय क्रिकेट में प्रतिभा की गहराई बहुत अधिक है, वे अच्छे हैं, उन्हें सभी प्रारूपों में एक युग तक हावी होना चाहिए, आसानी से वो दो टीमें बना सकते हैं। केविन पीटरसन के इस ट्वीट पर ही पाकिस्तान ने सवाल खड़े कर दिए। जी हां, आपको सुनकर हैरानी होगी कि जो तारीफ इंग्लैंड कर रहा है भारत की, वो भी पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने भारत की मेगा टी20 आईपीएल लीग की तारीफ करी है। उन्होंने पूरी दुनिया के साथ एक बहुत ही बड़ी बात कही है। केविन पीटरसन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, सभी क्रिकेट बोर्ड को समझना चाहिए आईपीएल खेल का सबसे बड़ा शो है और सीधी सी बात है कि इस दौरान कोई इंटरनेशनल मैच ही आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। केविन पीटरसन इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि खिलाड़ियों के सामने एक नौबत आ जाती है, वो अपने देश के लिए खेले या आईपीएल के लिए। अब वो खेलना आईपीएल के लिए चाहते हैं तो उनके ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि वो देश के लिए क्यों नहीं खेलते हैं। केविन पीटरसन ने तो सभी क्रिकेट बोर्ड से ये कहा है कि जब आईपीएल का आगाज हो तो किसी तरह का इंटरनेशनल मैच ही नहीं होना चाहिए। मतलब साफ है, आईपीएल को ज्यादा वरीयता दे रहे हैं केविन पीटरसन। ये बात पाकिस्तान को हजम ही नहीं हुई जनाब। पाकिस्तान ने केविन पीटरसन के ट्वीट को बायस बताया और उन्होंने कहा, आईपीएल ने पैसे दिए हैं केविन पीटरसन के ट्वीट करने के लिए। और कमेंट में उन्होंने कई सारी बातें लिखी, आपको कितने पैसे मिले, आप भारत की तारीफ कर रहे हो, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की, तो कहीं ना कहीं दोस्तों पाकिस्तान की एलर्जी हमेशा से ही रही है। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, सारा टॉपिक आपके सामने है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ कमाल कुछ धमाल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एंड कीप सपोर्टिंग। आपका प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखना।